नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मनोहर जी उपस्थित हैं। मनोज मनोहर जी ने एक तरह से इतिहास रचा है। भ्रष्टाचार पे 15 साल लगे इन्हें रिसर्च करने में। आज के समय में जब किताबें बहुत जल्दी अब कर लेते हैं, तो एक आदमी भ्रष्टाचार पर 15 साल अगर लगाए तो आप समझिए कि वो किताब किस रूप में आई होगी। उनकी किताब का नाम है ए क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। और जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि दुनिया में करप्शन पर इससे बड़ी किताब नहीं लिखी गई। करप्शन का ABCD से लेकर और करप्शन जो आगे हुआ किस तरह से, अब पूरी चीज थ्योरी से, प्रैक्टिकल से और उसके सॉल्यूशन के रूप में, तीनों रूप में आप इसको समझ पाएंगे। हम डायरेक्ट मनोज जी से ही रूबरू होते हैं। मनोज जी, 15 साल तक किसी किताब के लिए प्रयास करना, ये बहुत मायने रखता है। कई बार आदमी थक जाता है, ऊब जाता है। और करप्शन जैसा विषय जो थोड़ा सा नीरस माना जाता है, वो ठीक है पॉलिटिकल माइलेज के लोगों को दे देता है, पर वो नीरस होता है, आंकड़ों का खेल है उसमें बहुत सारा। तो आपने 15 साल तक किस तरह से अपने धैर्य को बनाकर इसको पूरा किया है? देखिये संदीप जी, जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मेरी बचपन से ही अखबार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की आदत थी, और मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी था। अर्थशास्त्र से मैंने MA किया है। उससे पहले ग्रेजुएशन लेवल पर मैंने इतिहास भी पढ़ा है, राजनीति विज्ञान भी पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ा है, और मनोविज्ञान का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैं देश की समस्याओं को लेकर के माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे दोनों में थोड़ा सोचता रहता था। तो मुझे याद है कि 80 के दशक में जो मैं राजनीति के स्तर पे और तमाम सिस्टम के स्तर पर मैं जो रुझान देखता था सरकारों का, कि देश में गरीबी दूर करने के लिए क्या काम हो रहा है, बेरोजगारी को लेकर के क्या काम हो रहा है, और बहुत हम लोग छोटे थे तो 74 मूवमेंट की भी हमने आहट सुनी थी, और हमें ये याद है कि महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर के उस समय एक पूरा देश में एक क्षमा बना था। और उसके बाद जो चुनाव हुए थे तो उसमें इमरजेंसी लागू करने के खिलाफ जो लोगों की जो जनमानस की प्रतिक्रिया थी 77 के चुनाव में, उसमें इंदिरा कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी का आगमन हुआ था। तो उस समय मैं एक बाल मन में जो भ्रष्टाचार जैसे मैंने शब्द सुने, बेरोजगारी जैसे शब्द सुने, गरीबी जैसे शब्द सुने, तो 90 तक मेरे दिमाग में ये था कि कोई भी सरकार गरीबी दूर करने को टॉप प्रायोरिटी क्यों नहीं देती है। लेकिन हकीकत यह है सारी सरकारें गरीबी दूर करने का काम करती हैं, परंतु जब सरकार जब बनती है तो वह एक जो अमला होता है उसमें पुलिस रहेगा, सेना रहेगा, उसके अलावा सारे मंत्री और महकमे रहेंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, उसे कोई भी गौण नहीं करता है। लेकिन मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि सरकारें गरीबी दूर करने के लिए हर तरह से क्यों नहीं प्रयास करती हैं। फिर 90 से 2000 के दशक में जो मैंने समाज को और सिस्टम को ऑब्जर्व किया, तो हमें लगा कि जो भी योजनाएं आती हैं, तरह तरह की योजनाएं आई, क्योंकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मुझे कई स्कीमों और योजनाओं और योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना के जो दस्तावेज आते थे वो सब पढ़ने का मौका मिला। तो हमें लगा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो उनका रिजल्ट आता है, उसमें बड़ा ही एक तरह से विरूपता है, बड़ा ही असंतुलन है, विरोधाभास है। तब हमें ये समझ में आया कि सबके पीछे जड़ है करप्शन, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्या है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी मुख्य रूप से जिम्मेवार है। लेकिन चूंकि हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, 5 साल पे हर पार्टी एक इम्तहान देती है, तो राजनेताओं पर और जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है और शासन में उच्च स्तर पर विराजमान होती है, वो काफी आलोचना के पात्र बनते हैं। ये जो कह रहे हैं मनोज जी, कई बार आपको हम लोगों ने बताया भी है कि ब्यूरोक्रेसी जो भारत का है वो एक अंग्रेजों की देन है, वो घुन की तरह खा रही है पूरी व्यवस्था को। 5 साल में हम सरकार तो बदल देते हैं पर ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। बहुत बढ़िया सवाल किया संदीप जी आपने। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौजू है। अभी हाल ही में एक पूर्व मंत्री संसद में कह रहे थे कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के आदमी से उनकी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट जो अच्छा ब्यूरोक्रेट होता है वो इससे नहीं जाना जाता कि वो कितने सुधारों को अंजाम देता है, बल्कि वो इससे जाना जाता है कि वो यथास्थितिवाद को कितना ज्यादा कायम रख सकता है। वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट की निशानी है।
मतलब अगर वो करप्शन है तो उस करप्शन को कंटिन्यू रख सकता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, एक बिल्कुल. अच्छे ब्यूरोक्रेट की निशानी है. और अभी सीबीआई वर्सेस सीबीआई में आप लोगों ने इसको देखा है, देखा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल देखा. और डायरेक्ट 2 करोड़ का रिश्वत जो है सीबीआई डायरेक्टर्स पे, और वो एक मोइन खान जो मीट कारोबारी है हवाला का, हैदराबाद का, हाँ, और भ्रष्टाचार का इशू है. तो तीन तीन सीबीआई के डायरेक्टर को जो लीन लेता हूँ, अब समझिए करप्शन किस जड़ तक पहुंचा हुआ है. और मनोज जी ने आपको बताऊं कि 2 खंडों में ये किताब है और 850 पृष्ठ हैं, 9 इसके अध्याय हैं. और आपको यूरोप से लेकर रोमन साम्राज्य से लेकर भारत के पुराने समय से लेकर आदिकाल से लेकर वर्तमान तक के जो करप्शन हैं, और करप्शन ये नहीं कि करप्शन इन्होंने गिना दिए हैं, करप्शन के पीछे की जो सामाजिक आर्थिक राजनीति क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो सब इसमें इन्होंने पुस्तक में चरितार्थ किया है. मनोज जी 850 पृष्ठ की पुस्तक है ये, और काफी डीप आपने जो इसका जो रिसर्च इसमें किया है इतिहास के से लेकर और वर्तमान तक. तो ये कनेक्शन जो है, जो जिसको बोलते हैं डॉट जोड़ने की, आपको ये मतलब आप शुरू से जब किताब लिख रहे थे तो डॉट जोड़ के चल रहे थे या बीच में ये डॉट जुड़ा? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैंने बताया कि 90 से 2000 के दशक के बीच में मेरे दिमाग में ये भली भांति हो गया कि भ्रष्टाचार सारी समस्याओं की जननी है, और भ्रष्टाचार पे पब्लिक डिस्कोर्स में जितना डिबेट होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, वो नहीं है. वो सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है, राजनीतिक दलों के घोषणाओं में नहीं है, और इंटेलेक्चुअल के डिस्कशन का ये सेंट्रल इशू नहीं है. तब मुझे ये लगा कि जब मैं 1991 में जब मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से डिप्लोमा लेने के बाद जब मैं पत्रकारिता में आया, तो बल्कि पत्रकारिता का कोर्स करते हुए ही राष्ट्रीय सहारा अखबार में मुझे पहली बार एडिट में एक आर्टिकल छापा गया. वो नई आर्थिक नीति पर आर्टिकल था. तो उस समय मनमोहन सिंह और नरसिंह राव की सरकार आई थी और एक देश में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था नई आर्थिक नीति के जरिए. उस नीति को पर तो एक अलग वो मुद्दा है, लेकिन उसी दौरान मुझे ये लगा कि हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार, जो मेरा एक परसेप्शन बन गया था कि देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार जब घोटाले होते हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला उस समय उपजा था, या उसके बाद फिर से सिक्योरिटी स्कैम हुआ, या अलग अलग घोटाले आए, तब जाकर के हम इस पर चर्चा करते हैं. मुझे लगता है करप्शन तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. हम क्यों नहीं इसको 5 भागों में बांटते हैं कि पहला पॉलिटिकल करप्शन, कि हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार क्या है, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था में क्या भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार, तीसरा ये कि हमारे प्रशासन ब्यूरोक्रेसी में जो कि 3 करोड़ जिनकी संख्या है सेंटर से लेकर के और नीचे तीसरे टायर तक, उनका भ्रष्टाचार. फिर हमारे समाज में भी तो भ्रष्टाचार है, दहेज प्रथा है समाज में, जो है हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा वो नौकरी पाए कि उससे परिवार की आमदनी हो. तो ये समाज की जो हमारी हिपोक्रेसी है. मैं आपको इसी पे एक जगह मनोज जी जो कह रहे हैं, मुझे घटना याद आ गई कि बिहार की घटना है, बिहार से हूँ मैं. तो जब एक लड़के को देखने जो है लड़की वाले गए जी, तो उन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बातचीत हुआ उसके बोले कि तनख्वाह तो इतनी आती है, टेबल के नीचे से कितना मिलता है. तो एक बेटी का बाप सबसे पहले क्वेश्चन जब यही करता है कि भ्रष्टाचार जो है मतलब लीगलाइज्ड है समाज में, एक तरह से देखा जाए कि तनख्वाह तो ठीक है बबुआ आपका इतना है, पर टेबल के नीचे कितना है, और टेबल के नीचे की आमदनी से कई बार दहेज तय होते हैं. बिल्कुल, मनोज जी खुद बिहार से हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा चीज छेड़ दिया कि समाज के जड़ तक. आप देखिए कि अभी बहुत सारे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेप लिए हैं और रूट तक इसकी सफाई की व्यवस्था अभी नहीं हुई है, होगी, लेकिन लोग जो तिल मिला रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के करप्शन पे जैसे कि पीडीएस सिस्टम पे अटैक हो गया तो वो तिल मिला रहे हैं. तो इन्होंने जो कहा कि समाज के स्तर पे वो बहुत डीप है और उसका स्टडी इन्होंने पेश किया है. मनोज जी आगे अपनी बात कर रहे थे. तो समाज के भ्रष्टाचार के अलावा सांस्कृतिक लेवल पे जो हमारा भ्रष्टाचार है, या फिर संस्थाओं में कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोल नहीं पाते हैं, ये क्या उन पर जो है कोड ऑफ कंटेक्ट हो जाएगा, ये तो ठीक बात नहीं है. जब डेमोक्रेसी की बात होती है, संविधान की बात होती है, और उसका रखवाला जुडिशियरी है, यदि जुडिशियरी अपना अपना आतंक दिखा करके अपने भ्रष्टाचार को अगर वो ढकता है तो वह भी कहीं से ठीक नहीं है. पुलिस का भ्रष्टाचार, सारी एक एक जनता इससे वाकिफ है, अस्पतालों में शिक्षा संस्थानों में
कोई ऐसा महकमा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो, तो हमने ये मतलब कल्पना की थी कि हम 6 खंडों में ये किताब लिखेंगे। 6 खंडों में? खंडों में। तो 2001 में जब मैं एक अखबार के संपादक से थोड़ी मेरी अनबन हुई, तो मैंने इस किताब का एक तरह से तामीर किया, एक तरह से इसका आगाज किया। तो उस समय तक मेरे दिमाग में ये थी कि ये 6 खंडों में होगा। तो उस समय दौरान मैंने भ्रष्टाचार की मीनिंग और भ्रष्टाचार का मनोविज्ञान, भ्रष्टाचार का समाज विज्ञान और भ्रष्टाचार की राजनीति, भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था करके करीब 200 पेज मैं अगले 2-3 महीने के दौरान लिखा। फिर 2005 में मैंने अपनी एक पत्रिका अपनी शुरू की, इकोनॉमी इंडिया। तो उससे ये मेरा किताब थोड़ा सा रुका रहा, और लेकिन मैंने 6 किताब के अलग अलग कंप्यूटर पर अपनी फाइलें बना ली थी कि एक जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा, भ्रष्टाचार विषय का जो परिचय खंड जो होगा वो जैसे होगा। कि आपको मैं कुछ अनुसूची बता दूं, जैसे कि मीनिंग ऑफ करप्शन है, टाइप ऑफ करप्शन है, डिफिनेशन ऑफ करप्शन है, ये आपको मिलेंगे नहीं। ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार के एक मुद्दे पे अगर होता है, आप देखेंगे 2G स्कैम पे, लोगों ने 2G स्कैम पे लिख दिया, पर 2G स्कैम के पीछे का मनोविज्ञान क्या काम करता है उस पे लोग नहीं गए। उसका समाजशास्त्र क्या है उस 2G स्कैम के पीछे, कि हर किसी को हवा पानी जहां भी मिले उसको लूटना है, किसी भी तरीके से लूटना है। फिर रिलेशन ऑफ करप्शन किस तरह से, तो ये जो आप कह रहे थे कि आपको पहले चैप्टर में जो इन्होंने 2001 में शुरू कर दिया था, और उसको अपडेट है, अद्यतन है अभी तक, तो वो आपको भ्रष्टाचार के की जो मूल है उस मूल को समझाने का काम करती है। बिल्कुल 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 आपने सही समझा संदीप जी। तो उसके बाद जब पत्रिका का काम आ गया, तो बीच बीच में मैं लिखता था जो मेरे मन में आता था, फिर मैंने इस पर तमाम रिसर्च भी जुटाए। तो अंत में 2012-13 तक जो है मैंने इसका एक फॉलो अप भी बुक जो है, ये तो मेरा करप्शन का जो किताब होगा ये पूरी डायग्नोसिस होगी, पूरा स्कैन होगा सिस्टम का, और इसमें मैंने ये सोच लिया था कि मैं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो तमाम पेशेवर लोग हों, तमाम क्षेत्र के लोग हों, तमाम हमारे 3 टायर जो डेमोक्रेसी है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो 3 टायर है, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा जो हमारा 4 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, हमारा एनजीओ है जो कि 5वां अंग माना जाता है एक तरह से, तो इसके अलावा जो भी सेक्टर है, मिनिस्ट्री वाइज करप्शन, डिपार्टमेंट वाइज करप्शन, सेक्टर वाइज करप्शन, प्रोफेशन वाइज करप्शन, स्टेट वाइज करप्शन, और उसके अलावा जो आजादी के बाद जो है नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का काल इतिहास में जब मैं गया हूं, तो प्राचीन काल से लेकर के वैदिक युग से लेकर के जो कुछ उपलब्ध है, जैसे कि चाणक्य ने अपनी किताब जो बड़ी चर्चित किताब है उनकी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने दिखाया है कि सार्वजनिक जो जीवन होता है उसमें सुचिता का क्या महत्व है। कि चाणक्य से एक विदेश के अतिथि मिलने आते हैं, चीन के अतिथि, तो उस समय चाणक्य जी अपना कुछ राजकाज काम कर रहे थे, अपना राजकाज कर रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे वो अतिथि बैठे, उन्होंने अपने जो वो दिए, जो दिया जला करके जो वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उस दिए को बुझा दिया, और फिर उन्होंने दूसरा दिया जलाया। तो उस अतिथि ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो पहले मैं राजकाज कर रहा था तो वो राजकाज के खर्चे से दिया जल रहा था, अब मैं व्यक्तिगत आपसे जो है बातचीत कर रहा हूं तो मैं राज के खर्चे से वो दिया नहीं जलाना चाहता, मैं ये अपने खर्चे से दिया जलाऊंगा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने कई सारी उपमान बताए हैं कि सुचिता का क्या महत्व है, नैतिकता का क्या महत्व है, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के शब्दों में कहा जाता है उसमें नॉर्म्स को कैसे लागू किया जाता है। फिर जो है प्री मिडाइवल एज, मिडाइवल एज मतलब प्राचीन काल का जिक्र कर रहे हैं, तो प्राचीन काल में याज्ञवल्क हो, वेद व्यास हो, उन्होंने दूषित धन का जिक्र किया है, माने जो आजकल का ब्लैक मनी है, तो उस जमाने में भी करप्शन था और उसकी चर्चा हमारे महापुरुषों ने की है। इसलिए ये नहीं मान लेना कि करप्शन आज की समस्या है, करप्शन था तभी धनानंद सोने को दबा कर रखता था, ये लोगों को समझना सही एग्जांपल है, बहुत बिल्कुल सही एग्जांपल है। एक मैं एग्जाम्पल और संदीप जी आपसे शेयर करना चाहूंगा। राजा दुष्यंत के समय एक मछुआरा को ये मन में इच्छा जगी कि मुझे एक बहुत बड़ी मछली का मैंने शिकार किया है और मैं ये अपने राजा को भेंट करूंगा। तो वो मछली लेकर के अपने राजा के पास वो भेंट करने गया, तो बाहर में जो सिपाही तैनात थे और उन सिपाहियों का जो
प्रमुख था, जो हेड था, उन्होंने उसको रोक लिया। बोला कि नहीं, हम ऐसे कैसे जाने देंगे राजा के पास, इतना आसान थोड़े ना है, सुरक्षा का मामला है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो अंत में वो जो हेड ऑफ जो वो पुलिस था उस जमाने का, उस राज दरबार का, तो उस मछुआरे के साथ वो एग्रीमेंट हुआ कि तुम जाओगे, राजा तुम्हें बख्शीश देगा और हम तुम्हें इतने आसानी से दे देंगे। तो फिर उसने मछुआरे से ये एग्रीमेंट किया कि जो बख्शीश तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे सौंप के जाओगे और तब मैं तुम्हें अलाउ करता हूं वहां जाने का। तो यह आज के युग में भी इसको आप भली भांति देख सकते हैं, कट, आज के में उसको कट सिस्टम बोलते हैं, कट सिस्टम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दृष्टांत जो है वो प्राचीन काल की सार्वजनिक व्यवस्था में हमें मिलते हैं और उसको लेकर के हमें इन चीजों को बड़े ही खुले मन से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखिए ब्रिटिश पीरियड में लोग कहते हैं कि पब्लिक गवर्नेंस में एक सिस्टमेटिज्म आया, उन्होंने सिविल सर्वेंट शुरू किया। तो उन्होंने जो सिविल सर्वेंट शुरू किया वो तो उनके एम्पायर की रक्षा करने के लिए था कि वह भारत की जनता को एक तरह से कंट्रोल करे, डरा के था, नाम का कलेक्टर, हाँ ठीक बात, कि वो उनसे वसूली करे और उन्हें डरा के रखे। और वो लॉयल था किसके, वायसराय के प्रति। 2000 आईसीएस ऑफिसर थे, वो पूरे भारत को कंट्रोल करते थे, उसमें बड़े सैनिक अधिकारी भी थे और बड़े प्रशासक भी थे। और नीचे लेवल पे उन्होंने अपने जो है क्लैन तय किए, तो वो छोटे छोटे रजवाड़े थे जो उनके लिए काम करते थे, और उन्होंने गांव के लेवल पे उन्होंने जमींदार बना दिए, उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया और वो अंग्रेजों के प्रति लॉयल थे। तो डिवाइड एंड रूल का जो प्राइम डॉक्ट्राइन था अंग्रेजों का, वो कहीं ना कहीं उनके गवर्नेंस में और सिविल गवर्नेंस में भी लागू हुआ। तो आजादी के बाद जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप बदल गई, निजाम बदल गया, सारे तौर तरीके बदल गए, तो ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं बदली? सवाल है कि नेहरू जी जब इतने बड़े विजनरी थे कि उन्होंने एक सपना देखा, उनकी किताब है, वो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी बड़े जानकार थे, भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी, तो मैंने उन किताब पढ़ करके मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं चीन और रशिया जैसे देश से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने कमांड ऑर्डर इकोनॉमी और एक पब्लिक गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया। मैं मानता हूं कि उस समय हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और लिबरल पॉलिसी हम अपना भी नहीं सकते थे क्योंकि वैसा माहौल नहीं था। तो नेहरू जी ने एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन वह यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि जो ये पब्लिक लीडर्स, जो ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो ये सिस्टम होगा, जो इकोनॉमिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश भी छिपी होगी। हालांकि उनके सामने तीन चार बड़े घोटाले आए, जीप घोटाला, मुंदड़ा घोटाला आया, जीप घोटाला आया, पहला तो जीपी घोटाला था, उसके अलावा LIC का वो जो घनश्याम दास मुंदड़ा वाला जो हुआ वो आया, और कुछ उनके 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 खिलाफ काफी आवाज बुलंद की, और वीके के सम्मेलन पर जीप स्कैंडल में वही एम्बेसडर थे लंदन में, फिर बाद में मंत्री बनाए गए, तो उसको उन्होंने बचाया। और जबकि उन पर यह आरोप है कि एक MP ने कुछ छोटा सा फेवर ले लिया तो वहां नैतिकता का हवाला दे करके उन्होंने उस MP को नहीं बचाया। तो सेलेक्टिविज्म जो है, हाँ, वो नेहरू जी का भी था, हालांकि नेहरू जी की पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत हाई थी। घनश्याम दास बिड़ला ने उनको उनके 70 साल के पूरे होने पर उनको 70 लाख का गिफ्ट दिया, नेहरू जी ने उसे मना कर दिया। तो नेहरू जी ने करप्शन को लेकर के वो दूरदर्शिता जो उन्हें अपनानी चाहिए थी वो नहीं अपना पाए। लाल बहादुर शास्त्री का जब कार्यकाल आता है तो उन्होंने कुछ बोल्ड डिसीजन लिए। प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नेहरू जी ने उनसे बचाया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस आरोप को उन्होंने पब्लिक किया, और उस आरोप को पब्लिक करते ही प्रताप सिंह कैरो को इस्तीफा देना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम कमेटी का गठन किया। संथानम कमेटी आज भी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है वर्तमान सरकारों को उससे अभी भी सबक सीखनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म था करप्शन को लेकर के। कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने लागू किया कि सरकारी सेवकों को जो है आप क्वार्टर बना करके दो, रिसेप्शन ऑफिस रखो, कुछ चीजें लागू की गई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन संथानम कमेटी जब 1964-65 में जब आया है तो वो क्रेडिट शास्त्री जी को जाता है। इंदिरा गांधी के जमाने में एक एक्सट्रीम सोशलिज्म का दौर चला। वह एक ऐसा दौर था कि आप एक एक लाइसेंस, एक एक परमिट को गवर्नमेंट कंट्रोल में ला दिया गया और उसके जरिए करप्शन हो रहा था।
उन्होंने जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन समय सापेक्ष कदम था, लेकिन वह यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि एक बहुत बड़ा कैंसर देश के सिस्टम में उत्पन्न हो रहा है। और इंदिरा गांधी ने जब पब्लिकली कहा कि करप्शन इस देश की समस्या नहीं है, ये तो विदेशों में भी है, इससे एक बहुत बड़ा करप्ट लोगों को नैतिक बल मिला, लीगलाइज कर दिया। मित्रों की आर्काइव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि इंदिरा की पूरी सरकार बिकने के लिए तैयार थी, बस पैसे फेंकने की जरूरत थी। इसको लेकर के जो भी हो, लेकिन जनता पार्टी का जब राज आया तो मुरारजी देसाई ने, अभी आप कह रहे थे कि पीडीएस सिस्टम को, मेरा ये मानना है कि अगर सरकारें कोई भी योजना और स्कीम लाती हैं, आम जन के हित में आप काम करते हो, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है, उस पर कोई सेकंड थॉट की बात नहीं है, बल्कि उसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए। अगर समर्थन नहीं होता है तो ये स्वार्थवाद है। परंतु उस स्कीम और योजना के अंतर्गत अगर एक नया करप्शन का जो है पैरेलल सिस्टम उत्पन्न होता है तो फिर उस पर सवालिया निशान उत्पन्न होते हैं। इस देश में फूड ट्रेडिंग को कंट्रोल किया गया, ठीक है, उस समय हमारा देश जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, कहीं ना कहीं इंपोर्ट होता था, सरकारों को कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन इस देश में निचले लेवल पर करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ तो वह डीलर और कोटा सिस्टम के जरिए हुआ। मुरारजी देसाई ने स्क्रैप कर दिया वो सिस्टम, जो चीनी 2.5 रुपए किलो कोटा पीडीएस रेट पर मिलता था वो खुले बाजार में 2.5 रुपए किलो चीनी बिकने लगा। तो इससे बढ़िया सिस्टम और क्या चाहिए आपको। लेकिन पुनः 1980 में इंदिरा गांधी आती हैं और अपने वो पूरा उस गेम चेंजर स्कीम को वो दोबारा लागू करती हैं। फिर राजीव गांधी आते हैं तो उन्होंने जो है जवाहर रोजगार योजना शुरू किया, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए वो पंचायती राज लाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, लेकिन उसके जरिए आप हिडन एजेंडा ये करते हैं कि ग्राम प्रधान को ग्राम सभा के प्रति अकाउंटेबल पूरा ना बना करके आप उनको एक एजेंट बना देते हैं और डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं कि ये रोजगार योजना के मद में है। रोजगार वह सबसे बढ़िया रोजगार होता है जो एक स्पॉन्टेनियस वे में, ऑटोमेटिक वे में पैदा हो। अगर सरकारें गड्ढा खोदे और फिर गड्ढे को भरे तो उसमें कोई उत्पादन नहीं होता, लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन वह उस रोजगार का प्रोडक्टिव रोजगार नहीं है। उससे क्या है, मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ता है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मुद्रा स्फीति, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ये फैक्ट है, हमेशा मुद्रा स्फीति जा रही है। आज अरुण जेटली जी ने ट्वीट किया है कि जब यूपीए के कार्यकाल में 9-10% मुद्रा स्फीति थी, 22 तक गई, हाँ, फूड इन्फ्लेशन 22% तक गई है, और आज जब मोदी सरकार में 4-5 के करीब 2.73% तक मुद्रा स्फीति का असर होता है आपकी महंगाई पर। आप अपनी चीजों के दाम से समझ सकते हैं कि जो दाल यूपीए कार्यकाल में 160 रुपए था वो अब 60 रुपए है, जो सब्जी 40-60, वाजपेयी जी की तो सरकार पलट गई थी 40 रुपए प्याज पे, तो दिल्ली की सरकार पलट गई थी, शीला दीक्षित आ गई थी, वो जो मुद्रा स्फीति था उसको इस सरकार ने, और इसमें जीएसटी का एक बड़ा भूमिका है जिसको कम किया है टैक्स रेट को। तो मुद्रा स्फीति जो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आपको ये समझाने के लिए कि आप महंगाई से इसको समझिए कि महंगाई दर बढ़ी या घटी, ये मुद्रास्फीति मोटा मोटा हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि सरकार के तरफ से जो पैसे जाते हैं वो आम जनतक या अंतिम में जाकर के वो सिर्फ 15% तक पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक बहुत बड़ी रियलिटी थी। हो सकता है 15% नहीं हो, 25% हो सकता है कहीं 100% ही हाईजैक हो जाता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जो उनके बड़े करीबी रहे हैं, उन्होंने इसका एक क्लैरिफिकेशन दिया कि 85% में वो ब्यूरोक्रेसी का भी कॉस्ट है। तो ठीक बात है, देखिए कोई भी सरकार जो प्रशासन में खर्च करती है अगर उससे उसका रिटर्न नहीं आता है तो वह सरकार रहने लायक नहीं है। सरकार के एक एक पाई पाई का पूरा ऑडिट होना चाहिए। अगर आप सोशल सर्विस के लिए भी अपने अमले को रखते हैं तो उसके काम की प्रोडक्टिविटी की सोशल ऑडिट होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसकी इकोनॉमिक ऑडिट करिए। तो राजीव गांधी के बाद से मुझे बड़ी विडंबना है कि जितनी सरकारें आईं उन लोगों ने ये क्यों नहीं अपना पैरामीटर बनाया कि हमारी सरकार 85% तक खर्च कर रही है और 15% ही लीकेजेज हो पा रहा है। हालांकि इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये करप्शन इस तरीके से एक्सपैंड हुआ है, चाहे वो लोगों का भी उसमें हिपोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी के भी लूपहोल्स हैं, जैसे कि अभी हमारा पर्सनल राजनेताओं का भी स्वार्थ है। हाँ, लीकेज में जैसे कह रहे थे, तो परसों साथ में भाषण देख रहा था पीएम मोदी का कि 6 करोड़ ऐसे लाभार्थी जो लाभ पाने के योग्य नहीं थे, जो लीकेज था,
करीब 90,000 करोड़ रुपए उन्होंने आधार से डायरेक्ट ट्रांसफर डीबीटी जो बोलते हैं बिल्कुल उसके जरिए भारत का करीब 1,00,000 करोड़ रुपए बचा है। तो जो लीकेज कह रहे हैं मनोज जी वो लीकेज ऐसे होता था, मतलब आपका 1,00,000 करोड़ एक पूरा बजट में बहुत बड़ी करीब 1-1.5% का बजट में उसका योगदान है तो इतना लीकेज में जाता था। आप समझिए कितना बड़ा करप्शन था ये। तो राजीव गांधी के बाद से जो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का रिजीम आया वो तो चलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, कई सारी चीजें जो कंट्रोल्ड सिस्टम में इनबिल्ट थी करप्शन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने प्राइवेटाइजेशन मार्केटाइजेशन और कॉम्पिटिटिव रिजीम के जरिए जो है कई इनबिल्ट चीजों को खत्म भी किया। हालांकि उनका असली एजेंडा था इकोनॉमी को एक्सपेंड करना और उस पॉलिसी के जरिए काफी सारी चीजें खत्म हुई। फिर राजीव गांधी ने जो आईटी देश में एक आईटी की जो बुनियाद रखी, कंप्यूटर क्रांति का एक तरह से उन्होंने एक सपना देखा था विदेशों में जो वो देखे थे उसको लेकर के उन्होंने करप्शन कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत करी। और वाजपेयी गवर्नमेंट ने उसमें तो एक तरह से उसको एक चार चांद लगाया, आईटी के लिए वाजपेयी गवर्नमेंट जानी जाती है, किस तरीके से तमाम उसमें टैक्स कंसेशन दिए गए, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया गया, कैसे इंसेंटिव दिया गया, कैसे हमारा बीपीओ सेक्टर बढ़ा, तो हमारा जो गवर्नेंस में जो उसका यूज हुआ है तो उससे भी करप्शन पर असर निश्चित रूप से पड़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम करप्शन के भी कई सारे नए नए डायमेंशन आए, आपका आरटीआई आया, आपका जो है सर्विस गारंटी एक्ट आया, तो इन सब चीजों से कुछ असर जरूर पड़ा है। मैंने इस किताब में पूरी ईमानदारी से मैंने इस चीज को दर्शाया है कि जो हमारे करप्शन का जो इतिहास की जो यात्रा रही है उसमें कैसे कैसे गुणात्मक परिवर्तन आए, कैसे कैसे उसमें एक तरह से मात्रात्मक परिवर्तन आए, और उसके बाद भी आज हम ये कह सकते हैं कि करप्शन जो है इस देश का एक वह कैंसर है जिस पर केवल अभी आंशिक ही रोक लगी है, इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। आपने अभी जैसे कहा आधार कार्ड का, मैं कांग्रेस पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने शुरू की लेकिन उस पॉलिसी पर सबसे ज्यादा दौड़ लगाई एनडीए गवर्नमेंट ने, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फायदा उन्होंने दिया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च हुआ, टेलीकॉम क्रांति आई, ब्रॉडकास्टिंग क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति आई, और जगह जगह सड़कों का शुरुआत हुआ, कई सारी चीजों पर जो है काम हुआ। लेकिन जब ये 2009 में जब 2005 में 2004 में जब ये यूपीए का कार्यकाल आता है उसके अगुवा तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के एक तरह से चैंपियन थे, लेकिन असली कमान सोनिया गांधी की थी, और सोनिया गांधी ने सो कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने इंदिरा गांधी की जो शैली थी उसको लेकर कंट्रोल सिस्टम और सो कॉल्ड इंक्लूसिव के नाम पर वो मनरेगा जैसी योजना लाती है, राइट टू एजुकेशन लाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन तो चलिए ठीक बात था उससे पारदर्शिता आनी थी, लेकिन मनरेगा योजना के जरिए वो ये भूल गई कि जब तक इकोनॉमी में अगर प्रोडक्टिव एसेट तैयार नहीं होगा तो वह फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। और बाद में आपको पता चला कि मनरेगा निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी योजना बनकर वो साबित हुई। हमारे गांव की पूरी कृषि खत्म हो गई मनरेगा के कारण, लोग बहुत ज्यादा आप कहें कि काहिल आलसी हो गए, और 150 रुपए जो मिलता था तो मेरा मजदूर था वो बताता था कि मुखिया जी 50 रुपए ले लेते थे। वो शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता था, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एग्रीकल्चर में इस सरकार ने उसको एग्रीकल्चर से जोड़ा है, बंद तो नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, जो कानून है, मॉडल कानून है, और नहीं इस देश में तो उस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो तो नोच भी लेंगे, नहीं नोच लेंगे और एक मैसेज गलत दे देंगे कि देखो गरीबों का निवारण होगा, वही चीज है। तो इसलिए लेकिन उसको एग्रीकल्चर से जोड़ना, क्योंकि खेती पूरी तबाह, जो लोग खेत में काम करते थे उनको बैठ के गड्ढा खोदने पैसा मिल जाता है, तो ये अब ये भूल गई सोनिया जी। उसके अलावा 2009 के चुनाव में जो उन्होंने 70,000 करोड़ की कर्ज माफी करी पूरी देश की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा, और उन्होंने जिन लोगों के दबाव में आरटीआई लागू किया, हालांकि वो अच्छा काम था, आरटीआई के बाद से उन्हीं के सरकार के भ्रष्टाचार के पोल खुलने लगे। तो हालांकि हम ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार पहले नहीं था, भ्रष्टाचार जिस तरह से इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है वैसे ही भ्रष्टाचार की भी इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है देश में, कई जगह आईटी के प्रयोग की वजह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ई टेंडरिंग होने लगा, ई टेंडरिंग, ई गवर्नेंस, ई टिकटिंग, बहुत सारी चीजें, ई मार्केट, अभी किसानों के लिए ई नाम मार्केट जो शुरू किया है मोदी सरकार ने, जो किसान अपनी फसल उसके जरिए बेच सकते हैं ताकि उनको सही रेट मिल सके।
ये इसका वजह ये हुआ कि आपके एक साथ भ्रष्टाचार के सारे आपके घोटाले खुले, दूसरे साथ घोर महंगाई जो अभी आप कह रहे थे फूड इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन क्यों आई, 70,000 करोड़ जब आप कर्ज माफी करेंगे तो मनी इन्फ्लेशन होगा, पैसा महंगाई में तो जाएगा, पैसा तो उसका कोई उत्पादन हुआ नहीं लेकिन आपने माफ कर दिया। क्या किसानों की आत्महत्याएं रुकी? नहीं रुकी। क्या किसानों की जो है माली हालत सुधरी? नहीं सुधरी। और एक और विडंबना देखिए कि भारत के सबसे लंबे समय तक कृषि मंत्री शरद पवार रहे यूपीए और सब, हाँ ये भी 1 और 2, और सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या करते हैं वो महाराष्ट्र में करते हैं। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में हर साल बाढ़ जो है फसल बर्बाद करती है, पर बिहार के किसानों का आत्महत्या की खबर कभी नहीं सुनेंगे। तो जो चीज जो कृषि मंत्री था एक तरह से उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि अपने यहाँ के लोग ही उसके मरते रहे और अब तो एक बड़ी विमर्श का विषय बन चुका है। तो जो 2014 तक का जो सिचुएशन था, इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई थी, भ्रष्टाचार जो रिवील हुए जैसे 2G स्कैम, कोल ब्लैक स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये तीन बड़े स्कैम थे, तो पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा हुई। ये एक बड़ा अच्छा चीज था जो अब तक नहीं हो रहा था। और उसी के आधार पर कुछ महत्वाकांक्षावादी लोग, एनजीओ के संचालक लोग ने एंटी करप्शन फोरम के नाम से वो एक चीज लेकर के आए, एक मूवमेंट लेकर के आए, अन्ना मूवमेंट, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन हिडन एजेंडा क्या था? करप्शन को लेकर के उनके पास विजन नहीं था, करप्शन को लेकर के वो केवल पॉलिटिकल गिमिक कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि करप्शन की ओरिजिन कहाँ है, करप्शन कहाँ से शुरू होता है। एक को एड्रेस करेंगे अगर दूसरे को छोड़ देंगे तो करप्शन कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो उन्होंने एक लगातार चोर 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 कह करके एक नया पॉलिटिकल गिमिक का जो उन्होंने एक तरह से आईएनटीएन होकर के जो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया, एक नई पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, हाँ। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि मूवमेंट तो बड़ा चर्चित हुआ, दिल्ली में जो है पॉलिटिकल रिजीम भी नहीं आ गई, लेकिन करप्शन पर कभी बुनियादी हमला नहीं हो पाया। यही आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपकी इस किताब की टाइमिंग वो अगर होती, नहीं देखिए तो लोग समझ में आना, नहीं मेरी किताब अगर केवल वो मूवमेंट पर होती, नहीं मूवमेंट नहीं, हाँ। टाइमिंग मतलब ये करप्शन पे, जब चूंकि उस समय मूवमेंट के कारण पूरे भारत में करप्शन पे चर्चा हो रही थी ये बात ठीक है। उस समय शायद लोगों को एक रेफरेंस हो सकता है कि रिसर्च, हाँ हाँ देखिये करप्शन, देखिये दरअसल मेरी किताब जो घटनाएं हुई जैसे कि 2G स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, कोल ब्लॉक स्कैम हुआ, आज मोदी के टाइम में राफेल को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, उस दिन पहले व्यापम था। देखिए ये एक घटना है और इस घटना के आधार पर मीडिया में बज अराउंड हो रहा है, लेकिन करप्शन तो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य बन चुका है, हमारा DNA बन चुका है, और इस करप्शन में हम जो है इसके कमीटर है, करते हैं, और एट द सेम टाइम हम ही इसके भुक्तभोगी भी हैं। मैंने लिखा है अपने किताब में कि एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर एक खराब रोड बनाता है, बारिश में वो रोड खराब हो जाती है, और उसी कॉन्ट्रैक्टर के परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उस गाड़ी से लेकर के जल्दी अस्पताल पहुंचाना होता है, वही उसी का बनाया हुआ सड़क उसके उस मुहिम में बाधक बनता है। एक कर्मचारी जो घुसखोर होता है, रिटायर्ड होता है, तो अपना वो पोस्ट रिटायरमेंट सारे काम कराने में उसको पापड़ बेलना पड़ता है, कहता है कि हमें यहां पर कमीशन मांगा जा रहा है, यहां पर घूस मांगा जा रहा है। व्यक्ति नहीं सोचता कि हम भी तो हमारी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं और आज हम पर ये बीत रही है। आप अपने बेटे का एडमिशन कराने जाते हैं, हम जिस रोल में होते हैं हम अपना गलत काम करते हैं, बेटे का एडमिशन कराने जाएं तो हमें वहां पापड़ बेलना पड़ता है। हमें कोई भी लाइसेंस लेना हो, परमिट लेना हो, या किसी भी तरीके का कोई पब्लिक वर्क है तो हमें पापड़ बेलना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ CGHS का। CGHS गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है, और उसके जो कार्ड होल्डर हैं वो ज्यादातर जो है सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी हैं। CGHS के क्लिनिक में आप जाइए, जो वही सरकारी सिस्टम है, लेट लतीफी वाला, धीरे से काम करने वाला, और वही रिटायर्ड कर्मचारी उनके बारे में प्रतिक्रिया करता है कि देखो यहाँ क्या काम हो रहा है। तो मैंने एक बार कहा भी कि आप भी तो कभी इसी के पार्ट थे। तो सवाल इंडिविजुअल पर कमेंट करने का नहीं है, सवाल सिस्टम पर अटैक करने का है। और ऐसा नहीं है, जो भी ऊपरी लेवल पे जो सरकारें होती हैं, कुछ नेताओं ने अपनी इमेज बनाई भ्रष्टाचार को लेकर काम करने, जैसे हमारे बिहार से नीतीश कुमार जी ने भी एक इमेज बनाई, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इमेज बनाई, और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी वो कवायद कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का। और भी कुछ मुख्यमंत्रियों ने, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बार CEO का तमगा पाया।
हमारे नवीन पटनायक में क्या वो खुद सीबीआई एंट्री नहीं करने दे रहे। नवीन पटनायक ने उन्होंने भी एक इमेज बनाई भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि एक टॉप पॉलिटिकल लीडर से एक निचले ब्लॉक कार्यालय में किरानी या क्लर्क क्या काम कर रहा है उसको मॉनिटर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप कैबिनेट सेक्रेटरी और अपने मंत्रिमंडल के लोगों को आप निगरानी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर और पूरा महकमा कैसे काम करेगा? जब आप एक सिस्टम बनाएंगे ऑटो करेक्टिव सिस्टम जो अपने आप हर चीजों को ठीक करे, उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल है, उसमें पॉलिसी का भी रोल है, उसमें अच्छे कानून का भी रोल है, उसमें जो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का भी रोल है, उसमें एक सिस्टम बनाने का रोल है, उसमें एक पब्लिक का अवेयरनेस भी है, उसमें हमारे ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया भी काम कर रहे हैं कि आप एक ट्विटर पर कोई करप्शन को आप जाहिर कर देते हैं तो वो नजर में आ जाता है। तो मनोज जी, क्योंकि मुझे लगता है लोगों के लिए समय हो रहा है, हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इस किताब को जो आपने लिखा है जी, वो उसका असली जो उद्देश्य है का जो वो है क्या? देखिए, मेरा किताब का असली उद्देश्य है कि मुझे करप्शन की एक तरह से पूरा मर्म लोगों को बताना है, क्योंकि करप्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, हर व्यक्ति चाहता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं इसका लेखक हूं, लेकिन मैं भी चाहूंगा, मैं मीडिया के पेशे में हूं, मैं भी चाहूंगा कि मीडिया के पेशे से मैं जो लेख लिखता हूं या मैं टेलीविजन पर जाता हूं या मेरी पत्रिका को जो एडवर्टीजमेंट मिलता है वो अच्छा खासा मिले। ये व्यक्ति का एक मनोविज्ञान है। लेकिन हम सब लोगों की ये प्रवृत्ति बन जाए कि हम कमाई करें, हम अपनी आय बढ़ाएं, लेकिन उस पर उंगली नहीं उठना चाहिए। और ये भी बात सही है, ये सब कानून नियम ये सब हमने बनाए हैं, सब मानव ने बनाया है, सिस्टम ने बनाया है। तो हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हमारा हित जो है दूसरे के अहित के कीमत पर नहीं हो। किताब का जहां तक उद्देश्य है तो मैंने इसमें एकेडमिक परसेप्शन भी लिया है कि मैं कम से कम 500 से ऊपर मैंने परिभाषाएं इसका मीनिंग खोज करके निकाला। मैंने हिस्ट्री में भी जाने का प्रयास किया कि मैंने रोम और ग्रीस, चाइना और अमेरिका से लेकर के भारत के प्राचीन काल से लेकर के आजादी के बाद नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के काल में करप्शन को लेकर के क्या प्रसेप्शन रहा, सरकारों की दृष्टि क्या रही और उनके रिजिम में क्या क्या घोटाले पब्लिक डोमेन में आए। पब्लिक डोमेन में जो घोटाले आए वो मैंने केवल पाठकों के समक्ष परोसा है। उसको लेकर के मेरी राय ये है कि कुछ नेता डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट पर पकड़े जाते हैं, वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पकड़े जाते हैं। हजारों लोग हैं जिन पर की कोई इंक्वायरी ही नहीं होती। आप वो क्यों नहीं नेशनल अकाउंटेबिलिटी रजिस्टर बनाते हैं कि देश के पब्लिक डोमेन में जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने कॉरपोरेट हाउस हैं, जितने और बड़े टॉप नॉच जो लोग हैं उनकी सारी आमदनी जो है वहां पर रिफ्लेक्ट करती रहे कि उनका कितना इनकम बढ़ा कितना घटा। फिर जो है हमने ये देखा कि जो स्ट्रक्चरल करप्शन है हर पेशे को लेकर के, आज डॉक्टर अपने हिसाब से करप्शन करता है, इंजीनियर अपने हिसाब से करता है, जर्नलिस्ट अपने हिसाब से करता है, एक पुलिस का आदमी है वो अपने हिसाब से करता है, एनजीओ का आदमी अपने हिसाब से करता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, इवन एक मैकेनिक जो स्किल्ड लेबर है वह भी लोगों को जो है भ्रम में डाल करके जितना एक्चुअल जो कॉस्ट आना चाहिए उससे वो ज्यादा ले लेता है लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा करके। एक दूध वाला जो है वो भी पानी में मिलावट दूध में पानी मिला करके भ्रष्टाचार करता है, और एक डिफेंस में बैठा हुआ एक बड़ा ऑफिसर वो विदेश के हथियार के एजेंट से जो है वो भी कमीशन लेता है। तो हमारे यहाँ नाना प्रकार के करप्शन है। फिर मैंने इसमें जो प्रिवेंशन है, जो करप्शन की रोकथाम है, कि इसमें हमारा लेजिस्लेटिव हाउसेस में भी डिबेट डिस्कशन होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, सवाल जवाब होते हैं, मिनिस्टर से एक एक सवाल पूछा जाता है, वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर के द्वारा। फिर जो है एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो है सीबीआई, ईडी, सीबीसी जैसी संस्थाएं हैं उनका एक्चुअल में रोल क्या है, लोकपाल को लेकर के जो आंदोलन हुआ लोकपाल इसमें क्या अपना काम कर सकता है। तो एंटी करप्शन जितने मैकेनिज्म है, चाहे हमारा सीएजी, मेरी अगर व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो इस भारत देश में ऑथेंटिसिटी लाने में और करप्शन को सचमुच में पर्दाफाश करने में सबसे बड़ा रोल सीएजी का है। मैं उसे जुडिशियरी से भी बड़ा रोल उनका मानता हूं, और मेरा सुझाव यह है कि जुडिशियरी के बजाय सीएजी को पेनलाइजिंग राइटिंग दिया जाना चाहिए। नहीं तो कोर्ट में तो लंबी प्रक्रिया और क्रिया चलती है, उसके बाद फैसले आते हैं। आपने देखा कि 2G इतना बड़ा स्कैम था, उसका क्या हश्र हुआ, आज वो ठंडे बस्ते में चला गया, उस पर पैसे खर्च हुए होंगे, उसकी भी कॉस्ट है, सरकार के इतने महकमे उसमें लगे, जुडिशियरी का इतना बड़ा समय उसमें गया, क्या वो पब्लिक अकाउंट से वो पैसे नहीं आते हैं क्या? लेकिन हमें
हर चीज को थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि कॉस्ट और आउटपुट क्या है, हर चीज का परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, हर चीज का इकोनॉमिक ऑडिट क्या है। अगर सरकारें एक मैनेजरियल लेवल पर काम करें तो करप्शन को लेकर के काफी नकेल कसी जा सकती है। फिर मैंने एक चैप्टर में करप्शन का जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है कि दुनिया में और जगह कैसे पॉलिसी होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सबकी रेटिंग निकालती है, उनको लेकर के जो है उनका अलग अलग देशों के बारे में क्या नजरिया है, किस देश में कौन सा फंडामेंटल रिफॉर्म लाया गया। आज चाइना भी बहुत परेशान है जबकि वहाँ ऑटोक्रेटिक रिजीम है, एक पार्टी का राज चलता है, लेकिन वह भी बड़े हार्श कदम उठाते हैं। नरेंद्र मोदी के राज में चूंकि आज उनकी सरकार है, जैसे आपने अभी आधार का जिक्र किया तो ये बात सही है कि आधार की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह उसे भी सबसे बढ़िया अनुपालन ये एनडीए टू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और 85,000 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है, बिल्कुल सही बचत हुई है, उसका उद्देश्य ही यही था। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले परिकल्पना की थी कि सब नेशनल सिटीजन एक कार्ड हम बनाएंगे, और यूआईडी बनाया गया कांग्रेस के राज में, उस पर काफी पैसे खर्च हुए। आज उसके जरिए जो पैसे बच रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ मैं भी जोड़ूंगा कि यह एक तरह से डिमांड साइड ऑफ करप्शन पर रोक लगी है। सप्लाई साइड जो करप्शन है, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप आता है, जिसमें कि सारे कॉरपोरेट हाउसेस आते हैं, जो एक सप्लाई साइड का जो करप्शन है उसको लेकर के भी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। ये जो 85,000 करोड़ की जो बचत हुई है उसमें 20,00,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि 20,00,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिश्वत के रूप में किसी न किसी रूप में करिए, जैसे कमीशन होता है, जैसे LIC में हमें पता नहीं है कितना कमीशन दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट कमीशन में जाता है, उनके स्मॉल सेविंग स्कीम में कमीशन होता है। आप कमीशन बेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ योजनाएं बनाइए, 5% उनको पुरस्कार दीजिए, उनको रिवार्ड दीजिए, उनका कुछ सेवा चार्ज दीजिए, 95% पैसा बच जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ नियम जो होता है, कानून जो होता है, वो अंधा होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसमें ऑन द टेबल 1 पैसा करप्शन है और अंडर द टेबल 99 पैसे का आप करप्शन कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऑन द टेबल 2 पैसे को यूजर चार्ज सर्विस चार्ज बनाएं और 98% पैसे को बचाएं। तो ऐसी पॉलिसी, विवेकशील पॉलिसी बनाने की जरूरत है। किताब के जरिए मैंने जो है इन चीजों को लाने का प्रयास किया है, और सबसे अंत में मैं गया हूँ, नहीं बल्कि मैंने जितने जो मूवमेंट हुए हैं करप्शन पर, 4 बड़े मूवमेंट हुए, 74 का मूवमेंट हुआ, बोफोर्स का एक तरह से वो पॉलिटिकल मूवमेंट था, RTI का नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, और चौथा जो है ये अन्ना हजारे का और रामदेव जी का जो ब्लैक मनी और लोकपाल का जो मूवमेंट हुआ। मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत एंटी करप्शन रिजीम पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। 74 के मूवमेंट के बाद करप्ट लीडरशिप की पौध आई, आपने देखा। बोफोर्स के बाद सरकारें बदली लेकिन करप्शन पर कम, सो कॉल्ड सोशल जस्टिस पर काम ज्यादा हुआ। RTI एक नॉन पॉलिटिकल आंदोलन जरूर था, लेकिन मेरा ये कहना है कि RTI के जरिए जो आप किसी से इंडिविजुअल, किसी का एक करप्ट को हम कहते हैं 10 रुपए का पर्ची भर के कि तुम अपना करप्शन का रिकॉर्ड दो, क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? क्यों नहीं अंदर की एक एक चीज ट्रांसपेरेंट हो? मोदी जी को मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि मोदी जी यही बात कहते हैं कि कोई जो मांगे तब सूचना दो, इससे अच्छा पहले से ही सूचना को वो तैयार रखो, लेकिन उसको इनको लागू करना चाहिए। लोकपाल बीजेपी का भी बहुत बड़ा डिमांड था, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का वो दिखा करके लोकपाल की नियुक्ति अभी मोदी सरकार ने नहीं किया, तो ये एक सवालिया निशान निश्चित रूप से है। ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म, चारों रिफॉर्म एक इंटर रिलेटेड रिफॉर्म है। अगर चारों रिफॉर्म पर 1x1 अगर काम किया जाए, आप इलेक्शन रिफॉर्म लाते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का रिफॉर्म हम नहीं बात करते, वो भी हमें लाना होगा। हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट कम्युनिटी के नाम पर जो होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर देना चाहिए। हमें जो है RTI पॉलिटिकल पार्टी में क्यों नहीं लागू किया जाता? क्या वो पब्लिक के लिए नहीं है? वो तो घोर पब्लिक डोमेन का सब्जेक्ट है, लेकिन सारी पार्टियों ने आपस में एकता कर ली है कि RTI से दूर रखो, हम अपने मनमाफिक चंदे लेंगे, मनमाफिक भाई भतीजावाद करेंगे टिकट देने में। ये रिफॉर्म लाने की जरूरत है। करप्शन को लेकर के कोई डायरेक्ट कड़े कानून बना देने से नहीं दूर होगा। कोर्ट में तो करोड़ों 3.5 करोड़ केस जो है लंबित पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जाकर के आपने इसको हीनियस क्राइम का दर्जा दिया है, 7 साल की सजा कर रहे हैं। 2,00,000 पैसे लेकर के एक मूर्ख आदमी किसी का मर्डर करता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट हो जाता है, और अरबों रुपया लेकर के बड़े आराम से जो है विदेश कोई गमन कर लेता है तो बड़ी
तो उस पर सजा होती है तो 5 साल या 7 साल की सजा होती है। कितने रियल एस्टेट कंपनी से लेकर के और कितने नॉन बैंकिंग कंपनी को लेकर के पैसे लो करके लोग फरार हो गए, उनका कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं, चूंकि करप्शन महासमुद्र है और इस पर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों से कि आप लोग क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन जो है मनोज मनोहर जी का अमेजन पर उपलब्ध है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी उपलब्ध होंगे, और जो लोग करप्शन को वाकई दूर करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं रूट लेवल पर, क्योंकि दूर आप अन्ना आंदोलन होकर रह जाएगा, वो एक नया करप्शन के पौध को खड़ा कर देगा। अब अभी अरविंद केजरीवाल पे जितने सवाल उठ रहे हैं, उनके मंत्रियों पे जितने सवाल उठ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रूट से उन्होंने काम नहीं किया, सही बात, उड़ते हुए काम किया है, सही बात। तो जो लोग आप चाहते हैं, आप पंचायत में बैठे हैं, आप जिला में बैठे हैं, आप राज्य में बैठे हैं और आप करप्शन को दूर करना चाहते हैं, नागरिक आंदोलन हो सकता है और स्वयं में हो सकता है, इसके लिए कोई जंतर मंतर पर बैठने की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं है, आंदोलन से कुछ नहीं होगा। इस किताब को आप लोग जरूर लीजिए, थोड़ा कॉस्टली है पर जितना करप्शन हुआ है उसके मुकाबले बहुत ही सस्ता है, उसको समझेंगे आप, और मुझे लगता है ऐसे किताब की समाज में बहुत जरूरत थी। मनोज जी को मैं एक लाइन और जोड़ दूं दर्शकों को कि यह किताब एक तरह से जैसे डॉक्टर एक रोगी की परीक्षा लेता है, तो देश और सिस्टम की एक तरह से केवल उनकी जांच हुई है, इसके बाद जो है उस बीमारी का जो दवाई है उसकी भी किताब तैयार है, ए डायलॉग ऑन सिस्टम चेंज एंड इनिशिएटिव टू मेक ए न्यू इंडिया। वह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, व्यवस्था परिवर्तन पर एक विमर्श, पहल एक नए भारत के रचना की, उसमें हर क्षेत्र को लेकर के सुझाव सुधार विचार सब दिए गए हैं, सरकारों के लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और पूरे सिस्टम के लिए जरूरी है, और ये किताब आपके ही आत्मा की पुकार है। ये किताब हमने लिखा भर जरूर है लेकिन ये देश के 130 करोड़ आदमी के आत्मा की आवाज के रूप में उत्प्रकटित हुई है, और ये संदीप जी के मार्फत आप समय आपके पास ये मैसेज पहुंचा है और आप इसको अपना आशीर्वाद देंगे, बस यही मेरी कामना है। मनोज जी को बहुत बहुत बधाई, उम्मीद करते हैं मनोज जी की आम लोगों की भाषा में भी इस किताब को लाएंगे, अभी अंग्रेजी में है, क्योंकि अंग्रेजी में है, क्योंकि अंग्रेजी के लोग चीजों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, फिर हिंदी के वाले लोग बिल्कुल धीरे धीरे सारी भाषाओं में आएगी, आप लोग चाहेंगे तो। मनोज जी से हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग करप्शन के इस मूवमेंट को अपने घर से अपने अंदर से चालू करेंगे, किसी अन्ना किसी रामदेव का इंतजार नहीं करेंगे। धन्यवाद।